ओम शांति 13 जुलाई। आज बाबा हम सभी को नशा दे रहे हैं। तुम परम सद्गुरु के पोत्रे पोत्रियां हो। देखिए हम परिवार कैसे सुंदर परिवार में आ गए हैं। भगवान जिस परिवार का बड़ा है और परम सद्गुरु है, शिक्षक भी बनकर आ गया है। हमें ब्रह्मा के द्वारा अपने बच्चे बना लिया और एक तरह से हम पोत्र पोत्रे भी हो गए। उनका संपूर्ण अधिकार हमें प्राप्त होने वाला है, होने लगा है। तो हमारे लिए बहुत ही नशे की बात है। इसको हम याद रखेंगे तो सद्गुरु का हाथ भी हमारे सिर पर रहेगा। हमारी ये मंजिल ही बहुत सुंदर है, ऊंची भी है। इसमें कभी गिरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी बीमारियां आती हैं, कभी समस्याएं आती हैं, कभी स्थिति ऊपर होती है, कभी नीचे, कभी मनोमंग उत्साह में रहता है तो कभी उदासी में, क्योंकि माया से युद्ध है। परंतु हमारा सद्गुरु सर्वशक्तिवान है, उस्ताद हमारा ऐसा होशियार है कि उसने इन सब पर विजय पाने के लिए हमें अनेक सुंदर सुंदर गाइडलाइंस दे दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी विधियाँ बता दी हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो तो विजय तुम्हारी निश्चित है। तो हम सभी इन राहों पर चलते हुए बहुत हिम्मत से, बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ते चलें, क्योंकि ये प्रारंभ से ही होता आ रहा है। कई आत्माएं बाबा के पास आती हैं, योग के मार्ग पे चलती हैं, बहुत उमंग उत्साह में रहती हैं, मुझे ये करना है, बहुत भारी नशा चढ़ जाता है, धीरे धीरे माया का वार होने लगता है, कोई समस्याएं आने लगती हैं, बाबा की मदद नहीं मिली, किसी और भाई बहन से कुछ हो गया और ढीले हुए। इसलिए इस मंजिल को ऊंची मंजिल कहा जाता है। हम इस पर निरंतर चलते रहें, बीमारियों में भी एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को सहारा दें, तुम ठीक हो जाओगे, अच्छे वाइब्रेशंस दें, बोल भी सुंदर बोलें। तो इस लंबी मंजिल पर हमें चलते चलना है। कभी थोड़ी बहुत हार भी हो जाए, कभी मन में थोड़ी बहुत उलझन भी आ जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हम उसे छोड़ दें जिसे जन्म जन्म पुकारते थे और जो हमें सब कुछ देने आ गया। हम उसको भुला दें जो हमें बहुत प्यार दे रहा है, जो हमें बहुत प्यार से पाल रहा है या नहीं, सोच लें सभी। जिस भगवान के लिए हम तरसते थे, एक झलक दिखा दो, एक बार मिल जाओ, जब वो हमारे सम्मुख है फिर छोटी मोटी बात में नाराज होकर उससे विमुख हो जाना, ये बुद्धिमानी कतई नहीं है। अब तो वो हमें गाइड कर रहा है, योग सिखाया है उसने, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं और लाइन क्लियर होती है। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ बातें पास्ट के विकर्मों के आधार पर रास्ता रोकने लगती हैं। अगर हम विकर्मों को नष्ट करते हैं तो गिरावट कभी नहीं आएगी। आज तक देखा गया, गिरावट उनमें ही आती है जो मुरली मिस करते हैं, जो योग में रुचि नहीं रखते, कभी सवेरे उठे कभी नहीं उठे, शाम को किया नहीं किया, तो एक रूटीन लाइफ जीते हैं, योग को महत्व नहीं देते, तो आत्मा कमजोर होती है, बुद्धि में और बहुत कुछ भर जाता है, मन निर्बल होता है और ढीले हो जाते हैं। तो हमें तो बाबा के कदम पर कदम रखकर आगे बढ़ना है। कदम पर कदम अर्थात जो वो हमें आज्ञा दे रहा है उस पर हमें चलते रहना है, तो उसकी दुआएं भी बहुत मिलेंगी, उसकी मदद भी बहुत मिलेगी। आप सब जानते हैं आपके घर में बच्चे हैं, जो बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं, बहुत चरित्रवान हैं, उनको कितना आप प्यार करते हैं, कैसे उन्हें मदद करते हैं, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करना आप अपना कर्तव्य समझते हैं। हम भी बाबा जो रोज हमें कह रहा है वो कदम हैं श्रीमत के, उन पर हम चलते चलें। कई लोग पूछते हैं क्या पुरुषार्थ करें, क्या नया नया प्लान बनाएं। मुरलियों में जो कुछ रोज आता है
उसको फॉलो करते रहें, कोई सुंदर नशे की बात आई सारा दिन उसमें रहें, कोई सुंदर अभ्यास की बात आई सारा दिन उसको अभ्यास करें, कोई धारणा की बात आ गई उस पर सारा दिन ध्यान दें। तो हमारा सद्गुरु तो हमारा सुप्रीम गाइड है, ऐसा गाइड भला किसको मिलेगा? उसको पता है ये कलयुग के अंत में रहते हैं, यहाँ माया का बहुत प्रकोप है, यहाँ चारों अंधकार है, यहाँ समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, इसलिए वो पूरी मदद करता है। जब हम उसके हो गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें मदद ना करता हो, वो करता है। बस हम उसको महसूस करें, हम उसको स्वीकार करें, हमें उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि ये मदद बाबा की ओर से आ गई। कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ ना करें बाबा हमारे लिए सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं होगा। हम कदम कदम पर उसकी आज्ञा अनुसार चलते रहें, सब कुछ ठीक होता जाएगा। तो हमें अपने जीवन में दिव्यता लानी है, अलौकिकता लानी है, तो साधारणता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्या दिव्यता और क्या अलौकिकता? लौकिक में तो सभी रहते हैं, आत्मिक दृष्टि रखना अलौकिकता है। कर्म मनुष्यों की तरह नहीं योग युक्त होकर करना अलौकिकता है। बुद्धि में प्योरिटी को अपना लेना, बुद्धि में सबके लिए सद्भावनाएं रख लेना, बुद्धि में सर्वात्माओं के लिए प्रेम भाव पैदा कर देना, सबके कल्याण की भावना पैदा कर लेना, ये दिव्यता है। तो इसको हम धारण करेंगे तो किसी को देखकर भी ये नहीं लगेगा, कोई हमें देखेगा तो ऐसा नहीं लगेगा ये भी हम जैसे साधारण लोग हैं, बल्कि उन्हें महसूस होगा ये कुछ महान हैं, इन्हें कुछ अलग प्राप्ति है, ये हमसे कुछ न्यारे हैं, हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। और इस तरह हमारी सेवाएं दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होती रहेंगी। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, परम सद्गुरु मेरे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, मेरे सिर पे अपना वरदानी हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं, बच्चे विजयी भव। और आज इस नशे में रहेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति।